फ्रेंड्स, अगर आपकी YT स्टूडियो में ये वाला ऑप्शन व्हेन योर व्यूअर आर ऑन YouTube वाला ऑप्शन इनेबल नहीं है और इस तरह की मैसेज दिखाई दे रहा है इनफ यूजर डेटा टू शो दिस रिपोर्ट, तो अगर आप इसको इस तरह इनेबल करना चाहते हैं, इस तरह ग्राफ शो करना चाहते हैं और आप ये भी जानना चाहते हैं कि ये ऑप्शन किस तरह इनेबल करें, इसका यूज कैसे करना है और इसके जरिए अपने चैनल को कैसे ग्रो करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि भाई ये वाला ऑप्शन यानी ये वाला फीचर आपको किस तरह इनेबल करना है, इसका यूज कैसे करना है और इसके जरिए अपने चैनल को कैसे ग्रो करना है, तो वीडियो पर बने रहे, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है यार। मैं इस तरह की यूनिक यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है अभी यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस करें ताकि आप लोगों से इस तरह यूट्यूब रिलेटेड वीडियो कभी मिस ना हो जाए। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेजफुल वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये इस टॉपिक पर यूनिक वीडियो है। हाँ, इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो बन चुकी है लेकिन इसके थंबनेल में कुछ और है और वीडियो के अंदर कुछ और। थंबनेल पर लिखा है कि इस फीचर को आप किस तरह इनेबल कर, लेकिन वीडियो के अंदर आपको यह बताता है कोई भी तरीका नहीं। सिंपल आपको यह बताता है कि 1000 सब्सक्राइब के बाद आपको यह फीचर मिलेगा, 2000 सब्सक्राइब के बाद आपको यह फीचर मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आपके चैनल पर 20 सब्सक्राइबर है तो आपको यह फीचर मिल सकती है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल तरीका सिखाने हूं बिल्कुल प्रूफ के साथ। लेकिन सबसे पहले इस फीचर का क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको क्राइटेरिया बताने वाला हूं। सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि आपके चैनल 2 मंथ्स पुराना चाहिए, 60 दिन से ज्यादा आपके चैनल को होना चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया यह है कि आपके चैनल पर 20 सब्सक्राइबर होना चाहिए या 20 सब्सक्राइबर या 20 से ज्यादा होना चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया यह है कि आपके चैनल पर डे 50 से ज्यादा व्यूज होना चाहिए या 50 या 50 से ज्यादा व्यूज होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया अगर आपके चैनल पर कंप्लीट हो चुके और अभी तक आपको ये वाला फीचर व्हेन योर व्यूअर आर ऑन YouTube वाला फीचर इनेबल नहीं है तो इस वीडियो पर बने रहे, मैं आपको प्रैक्टिकली तरीका सिखाने वाला हूं किस तरह आप इसको इनेबल कर सकते। मैं आप लोगों को वो मोबाइल के स्क्रीन पर सिखाने वाला हूं प्रैक्टिकली। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको आप यूज कैसे करें और इसका फायदा क्या है। यूज ऐसा करें कि यहां पर आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, यहां पर यूट्यूब आपको बताता है कि इस टाइम पर आपकी ऑडियंस यूट्यूब पर एक्टिव है, आप इस टाइम पर लाइव स्ट्रीम वीडियोज आप अपलोड कर सकते हैं। जब आपके व्यूअर आपके ऑडियंस यूट्यूब पर एक्टिव है और आप वीडियो अपलोड करें पब्लिक करें पब्लिश करें तो वीडियो आपकी ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंच जाएगा और वो इस पर क्लिक करके आपकी वीडियो पर फर्स्ट आवर में क्लिक ज्यादा हो कि आपकी वीडियो वायरल हो सकता है, इसका ये फायदा है। तो आप इसको किस तरह इनेबल कर सकते हैं, अगर आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो चुकी है और अभी तक आपको नहीं मिला है ये फीचर तो किस तरह आप इसको इनेबल कर सकते हैं, तो वो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर सिखाता हूं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर। ओके फ्रेंड्स, व्हेन योर व्यूअर आर ऑन यूट्यूब वाला फीचर इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको YT स्टूडियो को ओपन करना है, देन यहां पर नीचे एनालिटिक्स के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर 3 ऑप्शन है, ओवरव्यू, कंटेंट एंड ऑडियंस, तो लास्ट ऑडियंस पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आना है, यहां पर आप देख सकते हैं व्हेन योर व्यूअर आर ऑन यूट्यूब वाला ऑप्शन हाइड है, नीचे लिखा है नॉट इनफ डेटा टू शो दिस रिपोर्ट। इस पेज पर आना है और इसके बाद ऊपर आपको चैनल के लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद यहां पर सेंड फीडबैक पर क्लिक करना है और यहां पर एक मेल YT टीम को आपको सेंड करना है। वो मेल क्या है मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, चलिए मैं यहां पर इसको पेस्ट करता हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और यहां पर वीडियो को आप स्टॉप करके यहां इसे आप भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा, डियर YT स्टूडियो टीम, माई चैनल हैव 2 मंथ्स ओल्ड एंड ऑल्सो माई चैनल गेटिंग मोर देन 50 व्यूज पर डे, बट वेन यूर viewer on YouTube features graph not enabled in my YT studio, sir please enable this feature in my YT studio as soon as possible, नीचे thank you। इस तरह आपको लिखना है, ऊपर आपको सेंड का आइकन नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी फीडबैक जो है वो सक्सेसफुली सेंड हो गया, इंशाल्लाह आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा अगर आपकी चैनल पर ये 3 क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुके।
चुके हैं। पस क्राइटेरिया, 2 मंथ्स पुराना चैनल आपका, आपकी चैनल 2 मंथ्स पुराना होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि आपके चैनल पर 20 या 20 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होना चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया ये है कि आपकी चैनल पर डे 50 या 50 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो इसके बाद आप इस तरह की, अगर आपकी फिर भी एनेबल नहीं है तो आप इस तरह आप सेंड करें, फीडबैक दें, मैसेज करें, YT टीम को आपको एनेबल करेगा 24 आवर के अंदर अंदर। अगर फिर भी एनेबल नहीं होगा तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए इसका भी हल निकाल लूँगा। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस करें ताकि आप लोगों से इस तरह YouTube रिलेटेड वीडियो कभी मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने।